बाल भी बहुत बड़े हो गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है दीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे TkK का पार्ट 2। अब मैं पार्ट 2 इसलिए बना रहा हूँ यार क्योंकि मैंने कल पार्ट 1 देखा, भाई साहब इतना बेकार था ना, अच्छी लाइटिंग थी ना, मैं इतना एनर्जेटिक था उसमें, तो क्यों नहीं था। बेसिकली मैंने उस वीडियो को रात 1 बजे शूट किया था यार, सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट में आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, हालांकि उसमें व्यूज थोड़े अच्छे आ गए थे लेकिन मैं उतना उसमें नॉलेज नहीं दे पाया, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा TkK के बारे में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो TkK करने के लिए बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, 3 साउंड आनी चाहिए, एक हाई एज, एक रिम शॉट, एक आउटवर्ड के स्नेयर, ठीक है, और हाई एज। ये तो हो गया अपना TkK का बेसिक। अब TkK करते कैसे हैं भाई। TkK करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, TkK के बाद हाई एज के बाद आपको सीधे गन रिलोड कर देना है, फास्ट जाना है यार, बहुत ही ज्यादा फास्ट करना है। तो TkK का इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा सा दूसरा वाला TkK, जो कि इसका वेरिएशन ही टाइप का आप कह सकते हैं, ठीक है। तो TkK का वेरिएशन कैसा है, आपको क्या करना है, टी की जगह आपको कुछ नहीं बोलना, हाई एज करना ही नहीं है, मतलब ना के बराबर करना है, ऐसा करना है हाई एज को। तो ज्यादातर बीट्स में हम को छोड़ के ये यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी बहुत वेरिएशंस की। वेरिएशन कैसा है, इसको ही इन्वर्ट करना है आपको। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो आपको टी की जगह आपको की जगह, बहुत नॉर्मल है, टी की जगह आपको अंदर को करना है, यानी कि आप जैसे सांस ले रहे हो, ऊपर से लेना है सांस। अब ये बाहर को हो गया, अब इसी को इन्वर्ट को करना है। आपको क्या करना है, जीभ जो है आपकी जीभ है ना, उसके ऊपर आपको के करना है। अब आपको आ गया हाई एज अंदर को, अब आपको आ गया के अंदर को। अब आपको फिर क्या करना है, इन्वर्ट के स्नेयर, ठीक है। इन्वर्ट TkK हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, मुंह को शेप को थोड़ा बहुत चेंज करना है। अब आप कह रहे होगे भाई ये क्यों बता रहा तू। तो बेसिकली आपको अगर फ्यूचर में एलएम का मशीन गन का ट्यूटोरियल चाहिए तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है यार। तो अगर आप सजेस्ट करते हो तो नीचे कमेंट डाउन बिलो कि आपको एलएम का ट्यूटोरियल चाहिए या नहीं चाहिए। आपको ये 2 वेरिएशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ट्यूटोरियल कैसा लगा, तो ट्यूटोरियल पसंद आया तो नीचे कमेंट करो और लाइक करो मेरी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।